अगर अभी तक आपने मिर्च मसाला को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को टैप कीजिए रोज एक नई रेसिपी के लिए। तो मिर्च मसाला में फिर से एक बार स्वागत है और मिर्च मसाला में आज हम नवरात्रों की एक रेसिपी लाए हैं, वो है सवा के चावल की इडली। नवरात्र में एक ही तरह का खाना खाते खाते अगर आप बोर हो चुके हैं तो आज ये रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिए, जो कि नवरात्रा स्पेशल है और व्रत में आप ये इडली खा सकते हैं। तो इसके लिए आइए सामग्री पर हम ध्यान देते हैं कि हमें क्या क्या सामग्री लगेगी। यहाँ पे मैंने लिया है एक कप सवा के चावल, जिसे हम व्रत वाले चावल भी कहते हैं। साथ में यहाँ पे हमने लिया है एक कप दही। इधर हमने लिया है दो बड़े चम्मच यानी दो टेबल स्पून साबुदाना, और यहाँ पे हमने लिया है स्वाद अनुसार सेंधा नमक, जो कि व्रत का नमक होता है और आसानी से मार्केट में मिलता है, और यहाँ हाफ टी स्पून हमने लिया है बेकिंग सोडा। तो चलिए इन सामग्रियों के साथ हम इडली बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको चावल और साबुदाना को दरदरा पीस लेना है। पीसते वक्त आपको ध्यान देना है कि आपको बिना पानी का इसे पीसना है, तो बिना पानी का हम इसे पीस लेते हैं मिक्सी के बाउल में। तो ये यहाँ पे हमने पीस लिया है और ये पाउडर अब हमारा रेडी है, तो इसे हम एक बाउल में अब ट्रांसफर कर देते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं पूरा अच्छे से पाउडर बन चुका है, इसे हमने एक बाउल में ट्रांसफर कर दिया। और अब हम इसमें डाल देते हैं दही और इसे अब अच्छे से मिला देते हैं। दही को अच्छे से मिलाने के बाद आपको बैटर को थोड़ा पतला करना पड़ेगा, जैसा हमारा इडली का नॉर्मल बैटर होता है, तो इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालें। पानी आप ज़्यादा प्रयोग ना करें ताकि आपका बैटर गीला ना हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके आप इडली का घोल जितना होता है उसका रेडी कीजिए, जो आप देख सकते हैं कि अब रेडी हो चुका है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। पंद्रह मिनट अब हो चुके हैं, तो अब हम अपने बैटर में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, सेंधा नमक नमकीन थोड़ा कम करता है, इसलिए नॉर्मल नमक से इसे थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में डालें और इसे अच्छे से मिला दें। और मिलाने के बाद इसमें अब हम डाल देते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने के बाद आपको तुरंत इसे मिलाकर इडली बना लेना है। बेकिंग सोडा डालने के बाद आप इसे छोड़िए मत ज़्यादा देर के लिए, इसीलिए हम इसे लास्ट में मिलाएंगे। तो अब हमारा बैटर एकदम तैयार है, तो आइए हम इडली बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने इडली स्टैंड की मैंने ग्रीसिंग कर ली है। मैंने यहाँ घी का प्रयोग किया है क्योंकि जनरली हम व्रत में घी में ही खाना बनाते हैं। अगर आप घी अवॉइड करना चाहते हैं तो आप सनफ्लावर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, या व्रत में आप जो भी तेल यूज़ करते हैं उससे आप इडली पैन की ग्रीसिंग कर लीजिए। और ग्रीसिंग करने के बाद इसमें आप बैटर भर दीजिए। बैटर भरते वक्त आपको ध्यान रखना है कि बैटर में ऊपर थोड़ा सा जगह आपको खाली रखना है, क्योंकि इडली जब बनेगा तो वो थोड़ा फूलेगा, तो जो स्पेस आप छोड़ेंगे उसको वो कवर कर लेगा। इसी प्रकार से आप सारे स्टैंड्स को भर लीजिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे भर लिया है। और अब हम जैसे इडली बनाते हैं उसी प्रकार से हम इडली मेकर में इसे डाल देंगे और हम तेज आंच पर इसे 10 मिनट तक पकने देंगे। 10 मिनट अब हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इडली एकदम तैयार है। कितना अच्छा ये फूला है, ये बहुत ही सॉफ्ट बनेगा दोस्तों अगर आप सही तरीके से बनाए तो। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। अपना फीडबैक अच्छा या खराब जैसा भी है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन तो ज़रूर टैप कीजिए, ताकि हम जब भी ऐसी रेसिपी डालें आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।